वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बड़ी विचित्र सी एक जानकारी और एक स्पेशल एक चीज़ बताऊंगा। देखिए, बहुत बार हमारे रिश्तेदार और हमारे भाई बहन और लड़के लड़कियां विदेश जाते हैं, तो विदेश जाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट पासपोर्ट होता है, उसके बाद वीज़ा। वीज़ा जो होता है वो जो भी कंसर्न कॉन्सुलेट होता है या एम्बेसी होता है उसमें ही होता है, और वीज़ा लेना आसान नहीं होता, स्पेशली अमेरिका, कनाडा, यूरोप। तो कई हमारे भाई बहन और बच्चे जो है पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको वीज़ा लगता नहीं है, कई बार मेहनत करते हैं और रिज़ल्ट उनका ज़ीरो होता है। तो ऐसे में क्या है, वो बड़े हताश हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, आज मैं आपको एक डिटेल जानकारी देना चाह रहा हूँ। एक ऐसा मंदिर जहाँ वीज़ा के लिए आप अगर एप्लीकेशन लगाते हैं, आपकी वीज़ा की एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है, और इसके लाखों एग्जांपल्स हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँ, ये खास एक मंदिर है, ये इसका नाम है चिलकुरु श्री वेंकटेश मंदिर, हैदराबाद से 30 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पे अनगिनत लाखों भक्त जो वीज़ा के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, लड़के लड़कियाँ विदेशों से भी आते हैं, वो अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर उनका जो है काम बन जाता है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये तिरुपति बालाजी मंदिर जो है उसी का, तिरुपति भगवान का मंदिर है ये बालाजी का, और साथ ही इसमें ऐसा मानता है कि 500 साल पुराना मंदिर है, और यहाँ पर जो भी भक्त जो था वो जो है बहुत ही उसकी उम्र हो गई थी, और वो दर्शन के लिए जो है तिरुपति बालाजी के यहाँ पहाड़ों पर नहीं जा सका, तो वहाँ स्वयं बालाजी भगवान वहाँ प्रकट हुए, और एक पूरी कहानी है वहाँ पर कैसे जो है वहाँ मूर्ति का वो जो है आई, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो बड़ी एक स्पेशल ये एक मंदिर है, और इस मंदिर में दर्शन करने के बाद बेसिक रूल ये होता है 11 बार जो है परिक्रमा करनी पड़ती है मंदिर की, वीज़ा को लेके और भगवान के सामने मन्नत रख के वो करनी चाहिए। जब आपकी विश पूरी हो जाती है वीज़ा की, तब आपको वापस आके 108 बार जो है भगवान के मंदिर का अंदर ही परिक्रमा करनी पड़ती है, 108 बार। साथ में एक खास मंत्र है जो आपको चांट करना है, और खास उनको भी मैं बोलूँगा जो लोग वीज़ा के लिए जिनको दिक्कत आ रही है वो मंत्र भी चांट करें। ओम चिलकुरु श्री वेंकटेश परब्रह्मणि नमः, ओम चिलकुरु श्री वेंकटेश परब्रह्मणि नमः, ओम श्री चिलकुरु श्री वेंकटेश परब्रह्मणि नमः। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, मैंने कईयों को इसके बारे में बताया, जो लोग वहाँ जा सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो ये मंदिर का ये मंत्र यहीं से जाप करें, और इसके बारे में आप इसको मेरे हिसाब से अधिक लोगों को बताएं, क्योंकि देश जाने वालों की बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, ऐसे में उनके ये जानकारी मिलेगी तो उनका काम भी बनेगा। मैं आशा करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करेंगे कि क्या लाभ रहा आपको। ये मंत्र 108 बार सुबह शाम करें, अगर आपकी समस्या बड़ी है, आप जल्दी जाना चाहते हैं 1 हफ्ते या 10 दिन के, तो आप इसकी 10 माला करें, आपका काम 100% बनेगा। जब आपका काम बन जाए तो ज़रूर आप किसी नीडी पर्सन को हेल्प करें, भोजन, अन्य वस्त्रदान जो भी कर सकें करें, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तिरुपति बालाजी भगवान आप पर हमेशा कृपा बनाएं। थैंक यू माई फ्रेंड्स।